Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is Fundamental of Computers for BBA 5th semester. And students, today our most important topic is Output Device in Computers. Okay students, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में क्या होते हैं, इसको जो है हम स्टूडेंट जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले स्टूडेंट जो है हमने इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ये हमने जो है YouTube पर ऑनलाइन हमने कंप्लीट किया। और स्टूडेंट इसके ही सिक्वेंस में आज जो है कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से आउटपुट डिवाइस हैं और जिसका हम कंप्यूटर में हम यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम उसको मतलब जो है डिस्कस करने। स्टूडेंट्स हमने जो है पेरिफेरल डिवाइस यानी पेरिफेरल डिवाइस कंप्यूटर में जितने भी जो पार्ट्स हैं जो कंप्यूटर से अटैच होते हैं, जैसे सपोज दैट कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, ठीक है, सीपीयू है, स्पीकर है, और मतलब जो जिनका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में यूज होता है वो सारे हमने पेरिफेरल डिवाइस को हमने तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड किया, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में हमने स्टूडेंट जो है हमने कंप्लीट कर लिया, हमने जो है कीबोर्ड, माउस, MICR, OCR, ठीक है, और हमने जो है OMR, ठीक है, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ये सब हमने पढ़े और ये हमने जो है यूट्यूब पर सक्सेसफुली कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट्स इसके ही सीक्वेंस में हमारा जो अगला जो जो टॉपिक है वो है आउटपुट डिवाइस इन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में हमारे क्या होते हैं। तो स्टूडेंट की सबसे जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो आउटपुट डिवाइस है वो है हमारा मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर यानी कि जो भी कभी हम कीबोर्ड से इनपुट से जो भी हम जो है टाइप करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो हमें मॉनिटर पे जो है वो हमें शो होते हैं, मॉनिटर पे हमें जो है दिखाई देते हैं। तो मॉनिटर जो है एक हमारा बहुत ही स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। इट इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसको स्टूडेंट हम VDU बोलते हैं। VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये हमारा विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहलाता है। The monitor display the computer interface and open program allowing the user to interact with the computer. Yes, most important. The monitor display the computer interface. Yes, अब तो जाहिर सी बात है भाई, यूजर जब इंटरेक्ट होगा, जैसे मान लो विंडो XP स्टूडेंट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब हम विंडो XP को रन करते हैं, यानी कि विंडो XP का रन होना यानी बूटिंग, हमारा वो बूट है, हमारा सिस्टम बूट होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रैम में जाकर लोड होता है, तो जो स्क्रीन सामने खुल के आती है तो वो स्टूडेंट हमारे मॉनिटर पे खुल के आती है, तो उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं, उस पर कई सारे आइकन्स होते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई अगर मॉनिटर नहीं होगा तो यूजर इंटरेक्ट कैसे करेगा। जो आइकन्स जो है हमें वो दिखाई दे रहे हैं वो हमें मॉनिटर पे ही हमें दिखाई देते हैं, एक GUI एनवायरनमेंट हमें दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एनवायरनमेंट हमें शो होता है डेस्कटॉप पर, मॉनिटर पर। तो ये एक डिस्प्ले की तरह वर्क करता है। मॉनिटर डिस्प्ले द कंप्यूटर इंटरफेस एंड ओपन प्रोग्राम अलाउइंग द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। ठीक है, तो ये हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट होते हैं तो वो मॉनिटर के द्वारा इंटरेक्ट होते हैं, जो भी सारे प्रोग्राम्स हैं वो सब हमें मॉनिटर यानी कि डेस्कटॉप पे हमें शो होते हैं। अब स्टूडेंट देखिए, मॉनिटर को जो है हमने स्टूडेंट्स जो हमने कैटेगराइज किया है वो स्टूडेंट हमने जो है वो चार पार्ट में हमने मतलब किया है कि भाई मॉनिटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो मे बी स्टूडेंट देखिए, आज की डेट में जो मॉनिटर यूज हो रहे हैं वो चार टाइप के हो रहे हैं, जिसमें पहला मॉनिटर हम यूज नहीं करते, CRT कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं इसको, CRT। अब स्टूडेंट आपने देखा होगा पहले की जो मॉनिटर होते थे, अगर हम 10 साल पहले की बात करें या 12 साल पहले की बात करें, तो जो मॉनिटर का शेप बहुत बड़ा हुआ करता था, तो क्योंकि उसमें स्टूडेंट CRT यानी कैथोड रे ट्यूब का यूज करते थे और वो बहुत ज्यादा स्पेस करता था और बहुत भारी हुआ करता था। अब उसकी जगह स्टूडेंट हम जो है LCD हैं, TFT हैं और LED, इसका स्टूडेंट हम जो है हम यूज कर रहे हैं। अब कैथोड रे ट्यूब का यूज नहीं करते, ये मॉनिटर बहुत भारी होते थे, बहुत बल्की हुआ करते थे, अब हम इनको यूज नहीं करते, CRT मॉनिटर इनको बोलते थे कैथोड रे ट्यूब। ओके स्टूडेंट चलिए आगे, अगला हमारा अब जो हमारा आता है वो हमारा आता है LCD। LCD मतलब क्या हो गया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्टूडेंट मॉनिटर आ गए। अब ये स्टूडेंट ये जो मॉनिटर्स हैं ये हमारे साइज में भी मतलब छोटे हैं और इनके जो इनका जो रेजोल्यूशन है जिसको बोलते हैं VGA यानी वीडियो यानी उसको स्टूडेंट बोलते हैं VGA। VGA मतलब क्या है, वीडियो ग्राफिक्स एरे है ना, मतलब मॉनिटर्स कलर ऑफर्ड बाय वेरियस वीडियो स्टैंडर्ड। इसको हम स्टूडेंट जो हमारे मॉनिटर्स के स्टूडेंट जो कलर हैं वो हमारे कई सारे स्टैंडर्ड में आते हैं। तो एक तो है हमारा CGA कलर ग्राफिक्स अडाप्टर, दूसरा है EGA एनहेंस्ड ग्राफिक्स अडाप्टर, VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो इसको बोलते हैं वीडियो ग्राफिक्स एरे, जिसमें इसमें 256 कलर होते हैं और इसका रेजोल्यूशन होता है 640x480 यानी 640x480 इसका रेजोल्यूशन होता है। और फिर हमारा होता है XGA यानी एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे,
फिर हमारा होता है SVGA यानी सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो स्टूडेंट ये क्या है, ये हमारे स्टूडेंट्स कलर हैं, रेजोल्यूशंस हैं मॉनिटर्स के, जिसपे हमें मॉनिटर जो है वो उतना ज्यादा हमें क्लियर शो होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो स्टूडेंट जो हमारे जो मॉनिटर्स हैं तो उसमें हमारा LCD हो गया। तो ये स्टूडेंट मैंने अभी रेजोल्यूशन की बात की, कितना रेजोल्यूशन होना चाहिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, फिर है TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, TFTs बोलते हैं, TFT भी हमारे एक मॉनिटर का एक रूप है, उसको बोलते हैं थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। और स्टूडेंट हमारा अगला जो है वो है हमारा LED यानी लाइट इमिटिंग डायोड। तो LED भी जो है ये भी इस हमारा एक मॉनिटर का टाइप है। तो चार टाइप के मॉनिटर हैं जिसको हम जो है यूज करें, थ्री ही हमारे पास अभी थ्री सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं, ये हमारा ऑब्सोलेट हो गया है, इसको हम ज्यादा यूज नहीं करते। तो LCD, TFT और LED। तो स्टूडेंट ये हमारे हो गए मॉनिटर जो हमें आउटपुट प्रोवाइड कराते हैं, हमें आउटपुट शो कराते हैं हमारे कंप्यूटर पर। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं प्रिंटर्स की। प्रिंटर्स स्टूडेंट देखिए, प्रिंटर भी एक असिस्टेंट बहुत ही एक अच्छा आउटपुट डिवाइस है जो कि हमारे हार्ड कॉपी को प्रिंट करता है। और जो है अब कई कई तरह के स्टूडेंट प्रिंटर हम यूज करते हैं, कलर प्रिंटर यूज करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर यूज करते हैं। और अब स्टूडेंट हमने क्या किया, प्रिंटर को जो है स्टूडेंट हमने जो है हमने कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। लेकिन इससे पहले प्रिंटर क्या काम करता था, ये प्रिंटर दैट प्रिंट्स टेक्स्ट और इमेज ऑन पेपर। ठीक है, पेपर पर क्या करता है, टैक्स करता है, इमेज करता है, पेपर प्रिंट करता है। दी आउटपुट आउटपुट गिवन आउट बाय द प्रिंटर ऑन अ पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है उसको स्टूडेंट हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। दी रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन DPI। यस, कंप्यूटर का जो प्रिंटर का जो रेजोल्यूशन है वो स्टूडेंट्स हम मापते हैं DPI यानी कि डॉट पर इंच, यानी एक इंच में कितने डॉट्स स्ट्राइक हुए पेपर पर, वो हमारा DPI है, वो क्वालिटी है। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पेपर की जो क्वालिटी है वो हम DPI में मेजर करते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि डॉट्स पर इंच। चलिए, तो हमने क्या किया स्टूडेंट, प्रिंटर का जो प्रिंटर जैसे प्रिंट करता है तो प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी पर हमने जो है प्रिंटर्स को दो भागों में बांटा, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि भाई ऐसे प्रिंटर जो प्रिंटर पर स्ट्राइक करते हैं यानी प्रिंटर पर इम्पैक्ट डालते हैं दबाव करके प्रिंट करते हैं वो कहलाते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। और जो प्रिंटर प्रिंटर पर स्ट्राइक नहीं करते वो हमारे कहलाते हैं स्टूडेंट्स हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर आर द ओल्डेस्ट प्रिंटर स्टिल इन एक्शन। विद दिस टाइप ऑफ प्रिंटर समथिंग स्ट्राइक पेपर एंड रिबन टुगेदर टू ए फॉर्म ए करेक्टर, एग्जाम्पल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर। और ये भी है हमारे डेसिमल प्रिंटर, अभी हम देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर स्टूडेंट्स हमारे क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डज नॉट इन्वॉल्व स्ट्राइकिंग द पेपर, इंस्टेड दे यूज इंक स्प्रेयर टोनर एंड पाउडर। तो वो टोनर और स्प्रे और वो जो है यूज इंक स्प्रे और टोनर पाउडर का यूज करते हैं प्रिंट करने में, और वो जो है पेपर पर कोई भी स्ट्राइक नहीं करते, कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालते। ठीक है ना, तो स्टूडेंट देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने कौन कौन से रखे हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर है, चेन प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर है और बेल्ट प्रिंटर है। तो ये स्टूडेंट हमारे जो एग्जाम्पल है ये हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल है। जैसे मैंने इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में भी अभी बताया कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर द ओल्डेस्ट प्रिंटर स्टिल इन एक्शन, विद दिस टाइप ऑफ प्रिंटर समथिंग स्ट्राइक्स पेपर एंड रिबन टुगेदर टू फॉर्म ए करेक्टर, एग्जाम्पल डॉट मैट्रिक्स। इम्पैक्ट के बारे में आपको बताया, लेकिन आजकल सबसे ज्यादा हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज स्टूडेंट करते हैं लेकिन कम करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पॉस प्रिंटर की, अभी पॉस प्रिंटर को स्टूडेंट बाद में करूंगा मैं अभी डिस्कस, अभी मैं इसके बात कर देता हूँ, इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बात कर देता हूँ। तो इम्पैक्ट प्रिंटर स्टूडेंट हमें थर्मल, इंकजेट और लेजर, आज की डेट में हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का वाइडली यूज कर रहे हैं। जैसे लेजर प्रिंटर, ज्यादातर लेजर प्रिंटर जैसे इंकजेट हम बोलते हैं, जैसे कि आपका मतलब जो है और जो लेजर प्रिंटर है HP का, HP लेजर प्रिंटर P1105 जो प्रिंटर का नाम है, तो ये हम सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर ज़्यादातर हम ऑफिसों में जो है हम यूज़ करते हैं, इंस्टीट्यूशंस में मतलब अपने वर्किंग में हम जो है A4 साइज को प्रिंट करने के लिए ज़्यादातर हम लेजर प्रिंटर का हम यूज़ करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट इसमें ही जो है हमारे और भी प्रिंटर्स हैं, तो वो हमारे कलर प्रिंटर्स भी आते हैं। तो थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, तो ये हमारे स्टूडेंट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं, जो कि प्रिंटर डज नॉट इन्वॉल्विंग स्ट्राइकिंग द पेपर, जो कि मतलब प्रिंटर जो है वो पेपर पर स्ट्राइक इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो इंस्टेड दे यूज इंक स्प्रेयर टोनर एंड पाउडर, तो स्प्रेयर टोनर इंक और पाउडर का यूज करते हैं पेपर को प्रिंट करने में। उसके बाद स्टूडेंट हमारे फिर दो ये प्रिंटर और हैं, एक है हमारा लेवल प्रिंटर, दूसरा है पॉस प्रिंटर। तो स्टूडेंट सुपर मार्केट में यानी जो स्टॉक मार्केट है तो उसमें स्टूडेंट जो है हम जो है इस लेवल प्रिंटर का यूज करते हैं। यूज्ड इन सुपर मार्केट कैन प्रिंट बार कोड्स एज वेल एज
नॉर्मल टेक्स्ट। तो नॉर्मल टेक्स्ट को बार कोड्स को प्रिंट करने के लिए लेवल प्रिंटर का यूज होता है। फिर हमारा पॉज प्रिंटर, देखिए पॉज प्रिंटर क्या है। आज की डेट में स्टूडेंट देखिए, जब भी कभी मान लो हम आप जो है किसी शॉपिंग मॉल में जाइए या किसी शॉप पर जाइए, तो स्टूडेंट जो है वो एटीएम कार्ड को स्वैप कराते हैं, तो उसमें वो क्या है स्टूडेंट, वो हमारा एक पॉज प्रिंटर है। क्योंकि हमने मान लो अपने प्रिंट किया तो हमें उसकी रिसिप्ट चाहिए, तो अर्जेंट रिसिप्ट। जैसे आप देखते हैं कि जब आप जो है गवर्नमेंट बस में बैठते हैं, जब आपका वो टिकट जो काट के देता है, वो भी स्टूडेंट आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है एक तरीके से, जो भी आपको जो है तुरंत वो आपको, क्योंकि वो टिकट जो छपा होता है वो डॉट्स की फॉर्म में छपा होता है, और वो भी एक तरह से प्रिंटर है, वो भी हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहलाता है। तो रिसिप्ट तुरंत देने के लिए हम कोई खरीदारी कर रहे हैं या हम मतलब कोई क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हैं, हम डेबिट कार्ड का यूज कर रहे हैं, तो उसकी स्लिप के लिए जो है हम स्टूडेंट जो है पॉज प्रिंटर का यूज करते हैं। बार कोड को प्रिंट करने के लिए स्टूडेंट हम लेवल प्रिंटर का यूज करते हैं। लिखा है यूज इन सुपरमार्केट एट कैन प्रिंट बार कोड्स एज वेल एज नॉर्मल टेक्स्ट। तो पॉज प्रिंटर, रिसिप्ट प्रिंटर आर यूज्ड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पॉइंट ऑफ सेल। तो जो हमारा पॉज प्रिंटर है स्टूडेंट्स को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। तो ये स्टूडेंट एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिसिप्ट प्रिंटर प्रिंटर यूज टू रिटेल एनवायरमेंट में इसको यूज करते हैं। प्रिंट क्रेडिट कार्ड स्लिप एंड कस्टमर रिसिप्ट। तो क्रेडिट कार्ड की स्लिप या कस्टमर की जो रिसिप्ट जो बाय एंड सेल कर रहे हैं। थर्मल प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ पॉज प्रिंटर, पॉइंट ऑफ सेल इसको भी बोलते हैं। तो ये हमारी कहलाते हैं, ठीक है स्टूडेंट, प्रिंटर की बात हो गई। अब स्टूडेंट बात करते हैं प्लॉटर की। प्लॉटर स्टूडेंट क्या होते हैं, तो प्लॉटर में और प्रिंटर में स्टूडेंट ये फर्क है कि प्रिंटर तो भाई छोटी इमेज को टेक्स्ट को टाइप करते हैं, उनका मतलब जो प्रिंट करने का जो एरिया है वो कम होता है, लेकिन बड़े बड़े जो हमें नक्शे प्रिंट करने हैं, बड़े बड़े बैनर्स जो हम प्रिंट करते हैं, हमें वैक्टर ग्राफिक्स जहाँ हमें प्रिंट करनी होती है, वहाँ पे स्टूडेंट प्लॉटर का यूज करते हैं। तो ए लार्ज प्रिंटर यूज टू प्रिंट वैक्टर ग्राफिक्स एंड कंटिन्यूअस लाइन, एक प्लॉटर कैन बी यूज, ठीक है। तो कंटिन्यूअस लाइन के लिए या वैक्टर ग्राफिक्स के लिए हम जो है प्लॉटर का यूज करते हैं। A plotter can be used to produce high quality. A plotter जो है वो high quality में use high quality accurate A3 size और bigger drawings. A3 size भी A4 size तो हम laser printer से कर लेते हैं ये जो printer, लेकिन जब A3 size या उससे बड़ा size हमें print करना है, जैसे suppose that हमें किसी कोई हमें banner बनाना है, या फिर हमें किसी institute का हमें जो है बहुत बड़ा banner बनाना है ना, हमें जो है किसी मकान का नक्शा बनाना है, ठीक है ना, तो उसके लिए हम स्टूडेंट प्लॉटर का यूज करते हैं, जो कि 3D यानी कि जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको प्रिंट करता है हमारा प्लॉटर। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट हमने जो है आज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर BBA 5th सेमेस्टर में हमने आउटपुट वाइज कंप्लीट किए, और इनपुट वाइज से पहले हम कंप्लीट कर चुके थे। आगे आने वाले लेक्चर में स्टूडेंट हम स्टोरेज डिवाइस हम कंप्लीट करेंगे और मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर में मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से यूज होते हैं और उनका क्या उपयोग है। ठीक है स्टूडेंट, लेक्चर देखते समय एक तो आप अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल के लैंडस्केप करें, तीसरा यूट्यूब पर जो वीडियो क्वालिटी है उसको 360p और 480p सेलेक्ट करें, जिससे स्टूडेंट बोर्ड पर जो कुछ लिखा गया है ये आपको साफ साफ दिखाई दे, और इससे देखिए आप अपने नोट्स बना सकें और अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आप उसको देखिए और देखिए इसके नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।